Hello students, welcome to IBS online classes. This is Arshdeep Kaur. I hope everyone is doing well. Last week many important sports related events happened like the FIFA World Cup, Wimbledon, Thailand Open, Under 20 World Championship. So that's why we are coming up with a separate video related to sports current affairs. तो इस वीडियो में हम जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ रही इन चारों टूर्नामेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इम्पोर्टेंट है हम वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। वी विल स्टार्ट विद फीफा। फीफा के बारे में पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। द फुल फॉर्म इज इन फ्रेंच फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन दैट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन। तो जो फीफा है इट वाज फाउंडेड इन 1904 और जब ये फाउंड हुआ था उस टाइम इसके टोटल 7 फाउंडिंग मेंबर्स थे बट नाउ इट कंप्राइजेस ऑफ 211 नेशनल एसोसिएशंस इन 6 डिफरेंट कॉन्फेडरेशंस। इसमें से ही एक कॉन्फेडरेशन है AFC दैट इज एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन दैट कंसिस्ट्स ऑफ द नेशनल टीम्स ऑफ कैन ऑस्ट्रेलिया और AFC के अंडर ही इंडिया की भी फुटबॉल टीम आती है। उसके बाद चलते हैं वर्ल्ड कप जो हुआ था सबसे पहला इट वाज स्टार्टेड इन 1930। तो सबसे पहला वर्ल्ड कप जो हुआ था इट वाज हेल्ड इन 1930 इन यूरुग्वे और इसको जीतने वाली जो टीम थी दैट वाज आल्सो यूरुग्वे। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है ब्राजील के बारे में। ब्राजील जो है वही एक इकलौती टीम है जिसने हर वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में अपीयरेंस दिया है। सो दिस इज द ओनली टीम टू हैव अपीयर्ड इन ऑल द वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स एंड ब्राजील इज द ओनली टीम टू हैव वन द वर्ल्ड कप मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। तो ब्राजील ने जो है आज तक टोटल 5 बार वर्ल्ड कप जीता है। इसके बाद बात करते हैं जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहे फीफा 2018 के बारे में। सो दिस वाज हेल्ड इन रशिया फॉर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ दैट इज फ्रॉम 14th ऑफ जून टू 15th ऑफ जुलाई। तो टोटल 12 सिटीज थी रशिया की जिन्होंने ये होस्ट किया और इसमें 32 टीम्स ने हिस्सा लिया। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो 2 नई अपीयरेंसेस थी दैट इज आइसलैंड एंड पनामा इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है वर्ल्ड कप खेला है। इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो इंट्रोड्यूस हुआ है इस बार वर्ल्ड कप में दैट इज वीडियो असिस्टेंट रेफरी। तो जैसे कि क्रिकेट में थर्ड अंपायर होता है उसी तरीके से ये VAR है दैट इज वीडियो असिस्टेंट रेफरी। अगर जो है रेफरी को लगता है दैट अ डिफेंडर इज मिसकंडक्टिंग इन द बी एरिया ही कैन टेक हेल्प ऑफ द VAR टू जज इफ इट्स अ फाउल और नॉट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए बात करते हैं इसके बाद विनर्स के बारे में। तो जो इस बार का वर्ल्ड कप है 2018 इट वाज वन बाय फ्रांस एंड इट डिफीटेड क्रोएशिया विद 4-2। इसी के साथ बेल्जियम जो है थर्ड आया है एंड इट डिफीटेड इंग्लैंड। सो फ्रांस ने इस बार जो है दूसरी बार वर्ल्ड कप जीता है आफ्टर 1998। तो 1998 में पहली बार इन्होंने वर्ल्ड कप जीता था और उसी के साथ जो क्रोएशिया है ये पहली बार जो है फाइनल्स में पहुंची है आज तक की हिस्ट्री में। उसके बाद बात करते हैं जो और अवार्ड्स थे फीफा 2018 के। सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट द गोल्डन बूट अवार्ड दैट वाज गिवन टू हैरी केन हु इज द कैप्टन ऑफ इंग्लैंड टीम। ही स्कोर्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्स तो इसीलिए उनको जो है गोल्डन बूट का अवार्ड मिला है हैरी केन को। उसी के साथ जो गोल्डन बॉल अवार्ड है दैट हैज बीन गिवन टू ल्यूका मॉड्रिक ऑफ क्रोएशिया। तो क्रोएशिया के जो कैप्टन थे ल्यूका मॉड्रिक उनको जो है ये अवार्ड दिया गया है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट अवार्ड पे दैट इज द बेस्ट यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दैट वाज गिवन टू द 19-year-old किलियन बापे हु इज फ्रॉम फ्रांस। तो फ्रांस के किलियन बापे को जो है बेस्ट यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला है। इसी के साथ जो गोल्डन ग्लव अवार्ड है इट इज गिवन टू द बेल्जियम गोलकीपर थिबोट कोर्टियस। तो थिबोट कोर्टियस को गोल्डन ग्लव अवार्ड मिला है इस बार का। इसके बाद बात करते हैं विंबलडन ग्रैंड स्लैम के बारे में। तो जो विंबलडन है इट इज वन ऑफ द 4 मेजर ग्रैंड स्लैम्स ऑफ द लॉन्ग टेनिस। सो दिस इज द ओल्डेस्ट लॉन्ग टेनिस टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड एंड इट वाज स्टार्टेड इन 1877। तो अब बात करते हैं विनर्स की। आज तक जो है विंबलडन ग्रैंड स्लैम सबसे ज्यादा बार जीते हैं रॉजर फेडरर ने इन द मेंस कैटेगरी। देन इज मार्टिना नवरातिलोवा हु हैज वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इन द वुमेन्स कैटेगरी दैट इज 9 नंबर ऑफ टाइम्स। इसी के साथ जो लिएंडर पेस है ही हैज वन द मोस्ट नंबर ऑफ मिक्स्ड डबल विंबलडन टाइटल्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे। रॉजर फेडरर हु हैज वन द विंबलडन 8 टाइम्स, मार्टिना नवरातिलोवा शी हैज वन इट 9 टाइम्स एंड लिएंडर पेस हैज वन द मिक्स्ड डबल विंबलडन टाइटल्स 4 टाइम। उसके बाद चलते हैं आगे विंबलडन 2018 के बारे में। तो जो 2018 था इट वाज द 132nd एडिशन ऑफ विंबलडन। सो नोवाक जोकोविक वन द मेंस सिंगल्स अगेंस्ट केविन एंडरसन। उसके बाद जो एंजेलिक कर्बर हैं ऑफ जर्मनी शी वन द लेडीज सिंगल अगेंस्ट सेरेना विलियम्स। Then in men's doubles, Mike Bryan and Jack Sock won. And then in women doubles, Barbora Strycova and Katerina Siniakova won the women doubles. उसके बाद जो Alexander Peya है and Nicole Melichar, they won the mixed doubles tournament. तो ये थे इस बार के विनर जो इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है, नोवाक जोकोविक, एंजेलिक कर्बर. उसके बाद बढ़ते हैं आगे. इसके बाद हम बात करेंगे रिगार्डिंग दी थाईलैंड ओपन. तो जो पीवी सिंधु हैं, शी रीच्ड टिल दी फाइनल्स बट देन शी लॉस्ट टू नोजोमी ओकुहारा. तो ये जो है जीता किसने है, नोजोमी ओकुहारा ने, ऑल्दो पीवी सिंधु ऑफ इंडिया रीच दी फाइनल्स. उसके बाद चलते हैं अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में, दैट वाज रिसेंटली हेल्ड इन फिनलैंड एंड इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलीट फेडरेशन. सो ये जो चैंपियनशिप है ये 2 साल में एक बार होती है. तो इसमें जो हिमा दास है ऑफ इंडिया, शी हैज वन द गोल्ड मेडल इन द विमेन 400 मीटर अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप. सो शी इज द फर्स्ट इंडियन ट्रैक एथलीट टू हैव वन द गोल्ड मेडल. इसी के साथ जो इंडिया है इट वन ओनली 1 मेडल और उनकी जो रैंकिंग थी दैट इज 18th. तो जो कीनिया है दैट स्टूड एट द टॉप ऑफ द लिस्ट विद 6 मेडल्स एंड जमाइका वाज सेकंड विद 4 मेडल्स इन द टूर्नामेंट. उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, दैट इज रिगार्डिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट गेम ऑफ इंडिया, दैट इज क्रिकेट. तो रिसेंटली जो इंडिया इंग्लैंड की सीरीज चल रही है उसमें टीम इंडिया डिफीटेड द इंग्लैंड इन 6th कंसेक्यूटिव T20 सीरीज बाय 2-1. तो इंडिया ने इंग्लैंड को हरा दिया है. इसी के साथ जो रमेश पवार है, ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम कोच ऑफ द इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम. तो रमेश पवार को जो है इंटरिम कोच अपॉइंट किया गया है. देन इज राहुल द्रविड़ हु हैज बीन इंडक्टेड इनटू द आईसीसी हॉल ऑफ फेम. तो इससे पहले आईसीसी हॉल ऑफ फेम में सिर्फ 4 इंडियन क्रिकेटर्स थे, दैट इज बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, सुनील गावस्कर एंड अनिल कुंबले. सो राहुल द्रविड़ हैज बिकम द 5th इंडियन टू बी इंडक्टेड इनटू द हॉल ऑफ फेम. तो ये थे क्रिकेट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. So students, that's all for today. Thank you very much for watching this video. I hope you like this video. Please do like and subscribe to our channel.